हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10th ऑफ अगस्त को तीन आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, दो आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है सोशल इनजस्टिस। जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ऑन द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST कम्युनिटी एंड इट्स सब कैटेगराइजेशन, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और उसमें इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रॉब्लमेटिक है। 5-6 रीजंस दिए गए हैं। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन आपको इसी बार 2024 मेंस में दिखने वाला है। आपको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है रिफ्यूजी राइट द जेंडर नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम वुमेन रिफ्यूजीज एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम इसके बारे में बात करेंगे। और जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है इंडिया में रिलेटेड टू वुमेन रिफ्यूजीज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या है ऑलरेडी और क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नो पॉपुलेशन सेंसिस इन द डार्क विदाउट वाइटल डेटा। सो यहाँ पर इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे कि सेंसिस की जरूरत क्यों है, वाई डू वी नीड सेंसिस ASAP एज सून एज पॉसिबल। ठीक, तो ये हमारे तीन आर्टिकल रहेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है सोशल इनजस्टिस। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट था ऑन द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST कम्युनिटी एंड इट्स सब कैटेगराइजेशन, उसी के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है। जो जजमेंट था उसके नेगेटिव इम्पैक्ट और कॉन्स के बारे में बात की जा रही है। जजमेंट के हमने पॉजिटिव साइड को डिस्कस कर चुके हैं, उसके जो प्रोज थे वो हमने डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसका जो बेसिस था उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। आपको मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन SC सब कोटास इज डीपली प्रॉब्लमेटिक, कुड अंडू गेन्स मेड बाय द रिजर्वेशन पॉलिसी कॉमेंट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसे लिखोगे इंट्रोडक्शन की शुरू की 4 लाइन में, और उसके बाद बताओगे कि जो जजमेंट है वो प्रॉब्लमेटिक क्यों है, उसके पीछे के 4-5 रीजन लिखोगे और देन आप उसको कंक्लूड करोगे। चीज़ें क्लियर? सो ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रेमवर्क हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। SC/ST कम्युनिटी के अंदर भी क्या होना चाहिए, सब डिवीजन होना चाहिए। अगर मान लो एक जनरेशन में IAS बन गया कोई, तो उसके बच्चे भी SC/ST रिजर्वेशन लेकर के आराम से IAS बन रहे हैं। अब इनको रिसोर्सेज तो पूरे हैं, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रिसोर्सेज की, क्योंकि अच्छा खासा कमा रहे हैं, सोशल स्टेटस भी अच्छा है IAS लोगों का, पावर भी बहुत होती है, तो उनके बच्चों को किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा, तो उन्हें रिजर्वेशन की ऐसे ज़रूरत है नहीं, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। आने वाली जनरेशन को क्या नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही लोग बार बार रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन है दलित में, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है और ऐसी कम्युनिटी पीछे रह जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सब कैटेगराइजेशन करो, सब डिविजन करो। जो मार्जिनलाइज बहुत ज़्यादा है उनको अलग से 5%, 10% को रिजर्वेशन दिया जाए, और जो बाकी कम्युनिटी है उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। मतलब जो भी रिजर्वेशन है, लेट्स से कि SC का रिजर्वेशन 15% है, तो उस 15% में 5% जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं उनको दिया जाए, फिर 10% सारे लोगों को। ऐसा सब कैटेगराइजेशन या सब डिवीजन किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो OBC में क्रीमी लेयर कंसेप्ट है उसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर IAS मतलब एक बार बन गया तो आपके बच्चे को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो क्रीम है SC में, उन्हें भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जो पुअरेस्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और यही सही तरह की इक्विटी रहेगी, है ना। इक्विटेबल, अगर हम इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये ही एक्चुअल में जो है आपकी इक्विटी एंश्योर कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट था। अब जो राइटर है उन्होंने बोला है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और जो जजमेंट है उसने सोशल रियलिटी को इग्नोर किया है। फॉर अ लार्ज स्वैथ ऑफ दलित इन द कंट्री whose lives are poor, nasty, brutish, short, the issue of reservation has no meaning. अगर हम देखें poorest of the poor की बात करें, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है दलित की जिनका जो जीवन है बहुत ही short है,
पॉवर्टी में गुजर रहा है, ब्रूटिश है, ब्रूटल है, और उनको रिजर्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है। उनके पास रात का खाना नहीं है, सुबेरे क्या खाएंगे इसकी जानकारी नहीं है। रिजर्वेशन तो उन्हें तब मिलेगा, उसका बेनिफिट तब मिलेगा जब वह एजुकेशन ले रहे होंगे। एजुकेशन लेंगे, 10वीं तक पढ़ेंगे, 12वीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद उनको कॉलेज में अच्छी सीट मिलेगी। 12वीं तक पढ़ेंगे तब तो मिलेगी, 10वीं तक पहुँचेंगे तब तो, या फिर स्कूल में दाखिला लेंगे तब तो। ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको रिजर्वेशन का मौका मिल ही नहीं सकता। तो आप उनके लिए एक अलग से स्मॉल परसेंटेज अगर रिजर्वेशन कोटा दे भी देते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसके बावजूद भी वो वहीं के वहीं रहने वाले। सो पहला आर्गूमेंट ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द लास्ट 10 ईयर्स देर हैव बीन फॉग ऑफ सीक्रेसी अराउंड द filling of post of SCST in various government ministries. According to report submitted to parliament in March 2021, 50% of the posts reserved for SCST OBC across 10 union ministries were lying vacant. So, पिछले 10 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें तो प्रॉपर डेटा अवेलेबल ही नहीं है कि SCST लोग मिनिस्ट्रीज में कितने लोग SCST कम्युनिटी के जॉब कर रहे हैं। अगर 2021 का डेटा उठाए जाए तो लगभग 50% पोस्ट ऐसी है OBC SCST कम्युनिटी की जो कि 10 मिनिस्ट्रीज में अभी भी वैकेंट खाली पड़ी हुई है। आप IIM की बात कर लीजिए, IITs की बात कर लीजिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो SCST कम्युनिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी ना के बराबर है। और बहुत सारी ऐसी जो पोस्ट है जिसमें SCST के लिए रिजर्व किया हुआ है उसे खाली रखा गया है, और जब रीज़न पूछा जाता है तो जो आपके IITs होते हैं, IIM होते हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। और उसके बाद रिसेंटली UGC ने एक गाइडलाइन भी निकाला था कि अगर SCST कम्युनिटी की ऑलरेडी रिजर्व पोस्ट है तो उसे अनरिजर्व किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट होता था, उसके बाद ये नोटिफिकेशन UGC को बाहर निकालना पड़ा। सो सुप्रीम कोर्ट ने इन फैक्ट्स को क्या नहीं किया है, इन फैक्ट्स को काउंट नहीं किया है, इन फैक्ट्स को इग्नोर किया है वाइल पासिंग अ जजमेंट इन द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी SCST का जो रिप्रेजेंटेशन है ऊपर लेवल पर वो बिल्कुल नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में SCST के जो लोग हैं उन्हें जॉब्स नहीं दी जा रही है। और फिर अगर इस तरीके से आप कैटेगराइजेशन कर देते हैं और क्रिमिलेयर बना देते हैं तो ऐसे में तो और आसान हो जाएगा कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं है बोलकर ऐसी वैकेंसीज को भरेंगे ही नहीं जो SCST कम्युनिटी से भरी जानी चाहिए थी। सो ये आपका सेकेंड आर्गूमेंट हो जाएगा, और उससे ऑब्वियसली जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उन्हें भी रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्या है, OBC एज अ ग्रुप आर इन डिफरेंट स्ट्रेटोस्फियर वे अबव द SCST ऑन द इकोनॉमिक लेडर एंड मोर पर्टिकुलरली इन सोशल स्टैंडिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रीमिलेयर की बात कर रहे हैं कि क्रीमिलेयर आपने इंट्रोडक्शन करने की बात की OBC में क्रीमिलेयर है, लेकिन OBC यार SCST से बहुत अलग है। कैसे अलग है, OBC की अगर हम बात करें तो सोशली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। SCST के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अनटचेबिलिटी का इशू, पब्लिकली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। OBC के साथ सोशल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमिकली तो ऑब्वियसली OBC ऊपर है ही SCST से, लेकिन मेन अगर आप देखें तो सोशल स्टैंडिंग में OBC कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं। सो यहाँ पर जो आपने क्रीमिलेयर की इंट्रोड्यूस करने की बात की है और OBC से इक्वेट करने की कोशिश की है, ये जो है आपका बिल्कुल ही गलत आर्गुमेंट है। OBC और SCST में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि दलित कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर इस तरह की इनइक्वालिटी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि दलित के अंदर ही इस इनइक्वालिटी को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ SCST रिजर्वेशन कोटास विल ओनली बेनिफिट वेस्टेड इंटरेस्ट सीकिंग लेवरेज इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस ग्रुप। जो SCST कम्युनिटी है अगर उसी के अंदर आप फिर और अलग अलग डिवीजन कर देते हैं तो पहले ही SCST कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और एक और क्लास अंदर बन जाएगी, है ना, तो एक और हायरार्की बन जाएगी। इसका मतलब SC के अंदर भी कुछ होंगे जो टॉप पे होंगे और SC के अंदर कुछ होंगे जो नीचे होंगे, तो और जो नीचे हैं पुअरेस्ट हैं जिन्हें रिजर्वेशन आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा
उनका भी एक्स्ट्रा शोषण किया जा सकता है एससी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही। तो कहीं ना कहीं एक आप जो है अलग से कैटेगरी बनाते जा रहे हैं, कास्ट सिस्टम कम करने की जगह कास्ट सिस्टम और डीपली रूट होते जाएगा इन सारे डिवीजन के साथ, और राजनीति अलग हो जाएगी, राजनीति बढ़ जाएगी और डिवीजन होने लगेगा, कास्ट के अंदर कास्ट जो है डेवलप होने लगेगी, आपस में एससी कम्युनिटी के लोग ही एक दूसरे से लड़ेंगे रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, द कोर्ट वर्डिक्ट इग्नोर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड रैशनली बिहाइंड रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी। द रीजन दी दैट आर फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन इज नॉट मेयरली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस ऑफ स्टेट एज सीमिंगली इम्प्यूटेड बाय द कोर्ट, बट अनटचेबिलिटी एंड इट्स अनरेमिटिंग ग्रिप ऑन द सोसाइटी। जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो जजमेंट है वो एक्चुअल रिजर्वेशन के रीजन को उन्होंने इग्नोर कर दिया। एससी एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का मेन पर्पस क्या था, सोशल बैकवर्डनेस थी, सोशली जो डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ये तो रीज़न था ही नहीं, ना ही ये रीज़न था कि इनका जो सर्विसेज है उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सोशल जस्टिस, बिल्कुल सोशल जस्टिस ज़रूरी है, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था, इनके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुई है, हजारों साल तक के शोषण किया है ऊंची जात के लोगों ने, और इसलिए अब समय आ गया है कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें साथ में बैठाया जा सके, क्योंकि ऊंची जात के लोग साथ में नहीं बैठाना चाहते थे, तो रिजर्व कर दिया गया कि एक कुर्सी जो है एससी एसटी कम्युनिटी के लोग की ही होगी और उसे भरा जाएगा और आसपास की सारी जनरल कैटेगरी के जो भी लोग होंगे उन्हें एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को बैठाना पड़ेगा, भले ही उसके उनके मन में सम्मान हो या ना हो, उनके मन में डिस्क्रिमिनेशन हो या प्रेजुडिस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बेसिस था रिजर्वेशन का। सो ये जो बेसिस था वो सोशल बैकवर्डनेस एक बहुत बड़ा रीज़न था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो रीज़न था ही नहीं। सो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इकोनॉमिकली सारी चीज़ें देख रहा है, सोशल वाला जो फैक्टर है उसे इग्नोर कर रहा है। सो ये बिल्कुल भी गलत है, चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कहा है कि ये दलित जो है हेट्रोजेनस ग्रुप है, बिल्कुल हेट्रोजेनस ग्रुप है, और उसमें ये भी बात कही है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, बिल्कुल क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, क्योंकि भाई एक बार किसी ने एक जनरेशन में ले लिया, नेक्स्ट जनरेशन भी उसी को फ़ायदा मिल रहा है एंड ऑल, इस तरीके से चला जाएगा, तो जो पिछड़े हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, दलित जितने भी हैं होमोजेनस हैं, अगर हम जो क्राइटेरिया लें वो अनटचेबिलिटी लें, अनटचेबिलिटी मतलब दलित कोई भी हो, कितना भी ऊपर स्तर पर पहुंच जाए, आईएएस भी बन जाए, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण के घर जाएगा तो हो सकता है वो ब्राह्मण उसको ज़मीन पे बैठा दे, ऐसा हो सकता है। गांव में विलेजेस में इस तरह की चीज़ें आज भी प्रैक्टिस की जाती हैं, आज भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, न्यूज़ में आती हैं। मैं किसी भी कास्ट के बारे में ऐसा कह नहीं रहा हूँ, ऐसी चीज़ें होती है उसे ही बता रहा हूँ, ठीक। चाहे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है ना, तो कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, जो जो है चीज़ें उन्हीं को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कई बार ऐसा होता भी है कि आप जो है बड़ी पोस्ट पे होते हैं, उसके बावजूद भी जो है आपको हो सकता है कब जो है दूसरा दिया जाए, ऐसा कब दिया जाए जो आप लोग अपने घर पे इस्तेमाल नहीं करते। तो जो ऊपर पहुंच भी जाते हैं, जिन्हें अच्छी नौकरी भी लग जाती है, उसके बावजूद भी उन्हें अनटचेबिलिटी फेस करना पड़ता है, उनका प्रमोशन नहीं होता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन भी अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है काफ़ी स्तर पर अगर हम देखें तो, है ना, बड़े लेवल पर, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगा दी है कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तभी आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे, अदरवाइज रिजर्वेशन नहीं देंगे। सो ये सब सारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जॉब बढ़िया लग जा रही है एक जनरेशन को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसलिए ये जो जजमेंट है ये पोटेंशियली प्रॉब्लमेटिक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम पे जजमेंट दिया है इसके जो इम्प्लीकेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि जो क्राइटेरिया होगा क्रीमी लेयर का वो विम्स एंड फैंसीज पर, जो पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी है उस पर नहीं बेस्ड होगा, है ना, जो आपके पॉलिटिकल सरकार है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी विम्स एंड फैंसीज पे नहीं जो है इसका क्राइटेरिया बनेगा, प्रॉपर जो है इसका क्राइटेरिया डिटरमाइन किया जाएगा प्रॉपर रैशनलिटी के साथ। लेकिन क्रीमी लेयर अगर एज एन आर्गूमेंट देखें तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सारे लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है इन द नेम ऑफ
अनटचेबिलिटी, सभी लोगों के साथ ये सब चीज़ें फेस उन्हें करनी पड़ रही है। सो आर्टिकल 3 जो 41 है, जो जजमेंट है उसका ये वॉयलेशन है। उसमें क्लियर कट कहा है कि प्रेसिडेंट जो है लिस्ट बनाएंगे और नोटिफाई करेंगे। 341(2) में पार्लियामेंट को लॉ बनाने की बात की गई है कि कोई भी कम्युनिटी को SC/ST में इंक्लूड कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। ये याद रखना है आपको यार, अगर आपको पूछा जाता है कि SC/ST कम्युनिटी को लिस्ट में ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो उसको कौन करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट करता है, ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जाएगा। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर कट दी हुई है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दिया हुआ है। अब स्टेट को अगर आप पावर दे देते हैं सब डिविजन करने की तो ये कहीं ना कहीं वॉयलेशन है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी ये जो जजमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आर्टिकल 46 में क्लियर कट ये कहा गया है कि जो SC/ST कम्युनिटी के हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो इसको प्रमोट तो आपको करना ही करना है, लेकिन आप जो रिजर्वेशन दे रहे हैं आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक। तो ये आपके आर्गुमेंट हो जाएंगे, ये इसके साथ आप आर्टिकल 46 के साथ कंक्लूड कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, कहीं अगर कुछ इश्यू है तो बता देना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिफ्यूजी राइट्स, द जेंडर्ड नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2, GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तैयार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हाईलाइट करूँगा प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे या फिर आप नोट्स में लिख के रखेंगे, काफ़ी चांसेस हैं। इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हैं जिससे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल की थीम क्या है? रिफ्यूजीज वुमेन्स, ठीक है। रिफ्यूजी वुमेन्स क्या क्या फेस कर रही हैं चैलेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया जो है क्या कर सकता है, क्या लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, इससे रिलेटेड सारे आस्पेक्ट कवर किए जाएंगे, ठीक। शुरू करते हैं आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR, बाय द एंड ऑफ 2023 11.73 करोड़ पीपल वर्ल्ड वाइड हैड बीन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड ड्यू टू persecution, conflict, violence, human right violation or events seriously disturbing public order। लगभग 11.73 करोड़ में से 3.76 करोड़ refugees हैं, बाकी बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करके जा रहे हैं वो जनरली क्यों जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जहां वो रह रहे हैं वहां पर उतनी अच्छी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो दूसरे देश माइग्रेट करते हैं। लेकिन अगर रिफ्यूजीज़ की बात करें तो रिफ्यूजीज़ के साथ क्या रहता है, रिफ्यूजीज़ वो लोग होते हैं जो अपनी कंट्री में परसिक्यूटेड होते हैं, या तो रिलीजन के नाम पर, या फिर वहां कोई गृह युद्ध चल रहा है, या फिर वहां पर कोई और इशूज़ हैं तो वो रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं। अगर उनकी कंट्री में कुछ ना कुछ वायलेंस हो रहा हो, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा हो, या फिर कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या वॉर चल रही हो, और फिर वो अपने देश को छोड़ते हैं तो रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं। सो माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ में थोड़ा सा छोटा सा माइनर डिफरेंस है, इसे समझने की ज़रूरत थी, ठीक। तो टोटल 11 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं अनेक रीज़न के कारण, एनवायरमेंटल इशूज़ के कारण भी बहुत सारे लोग जगह छोड़ते हैं ना, कई लोग सूखा पड़ जाता है गाँव में तो अपना गाँव छोड़ के जाते हैं, तो वो क्या है, डिस्प्लेस हो रहे हैं लेकिन रिफ्यूजीज नहीं है वो, है ना। तो ये चीज़ों का आपको जो डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, उसको समझना ज़रूरी है। सो जो अभी आपका नंबर है ये और एस्केलेट होने वाला है, ऑलरेडी इसराइल हमास इशू चल रहा है, ईरान इसराइल इशू कंफ्लिक्ट चलेगा ही, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा वोलेटाइल रीजन है, हमेशा आग लगी रहती है, यूक्रेन रशिया चल ही रहा है, म्यांमार में रोहिंग्यास का इशू, और अब बांग्लादेश वाला भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, रिसेंटली हमने देखा कि जो शेख हसीना थी वही अब रिफ्यूजी है, और कहाँ पर रह रही हैं, इंडिया में रह रही हैं। सो प्रेसिडेंट ही अब बांग्लादेश की, प्राइम मिनिस्टर ही आपके रिफ्यूजी बन के इंडिया में रह रहे हैं। सो ये जो है एक बहुत ही चिंता का विषय है इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे में ये हो सकता है कि बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज इंडिया बॉर्डर पे आए, जैसे कि 1971 में आए थे, उस समय हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान को दो भागों में अलग करके वापस भेज दिया था, लेकिन अब क्या करेंगे, अब जो है जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक के हो सकता है कि इंडिया को रिफ्यूजीज़ को, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ को पनाह देना पड़े। सो ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये नंबर आने वाले समय में बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक।
सो इंडिया की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली इंडिया रिफ्यूजी रिसीविंग नेशन है। हम लोग दिल से लोगों का स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव। अगर हमारा कोई भी परेशान हो करके आदमी आता है तो हम उनको है ना दोनों हाथों से जो है बैठाते हैं, आराम से खिलाते पिलाते हैं और अपने अपने देश में उन्हें पनाह देते आए हैं। अफगानिस्तानी आए हैं इंडिया में, तिब्बतियंस आए हैं, बांग्लादेशीज आए हैं, तमिलियंस आए हैं श्रीलंका से, अलग अलग जगह से बहुत सारे रिफ्यूजीज। और अगर एंशियंट की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री में तो पता नहीं कितने तरह के जो है कंट्री के लोग इंडिया में आकर रह रहे हैं। सो ओवरऑल इंडिया में लगभग इंडिपेंडेंस के बाद से 200,000 ऐसे रिफ्यूजी ग्रुप्स के लोग हैं जो कि इंडिया में आके पनाह लिए हैं, असाइलम लिए हैं। 2022 का डेटा दिया हुआ है, लगभग 46,000 रिफ्यूजीज इंडिया में अभी असाइलम लेकर रह रहे हैं। उसमें से 46% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स और गर्ल्स की हैं, जो कि ज़्यादा वनरेबल ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द फेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फीमेल। तो UNPF के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट का फेस है वो महिलाएं हैं। ज़्यादातर जो डिस्प्लेस हो रहा है पर्सन वो महिलाएं होती हैं और छोटी बच्चियां होती हैं। द जेंडर्ड नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इम्पैक्ट्स वुमेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एज वेल एज देयर वेलबींग। ये स्टेटमेंट आपको UPSC में पूछा जा सकता है, ऐसे में आ सकता है और 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, कमेंट करने बोल सकता है। क्या लिखा हुआ है? जेंडर्ड नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का जेंडर्ड नेचर है, मतलब एक पर्टिकुलर जेंडर ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, उससे महिलाओं की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और उनकी ओवरऑल वेलबींग बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। रिफ्यूजी वुमेन आर अफेक्टेड बाई मल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेसर स्पैनिंग डेथ ऑफ पार्टनर। आपके पार्टनर की कई बार डेथ हो जाती है ना, वो वॉर में रहते हैं, जैसे कि अभी इसराइल और हमास के बीच में चल रहा है, एक बम गिर गया तो हो सकता है जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाए, बच्चों को लेकर निकलना पड़े, कई बार बच्चों की भी डेथ होती है। तो ये सारे स्ट्रेस झेलना पड़ता है महिलाओं को। उसके बाद उन्हें कैंप लाइफ में रहना पड़ता है, उसकी हार्डशिप अलग होती है। उसके अलावा जो फैमिली डायनामिक्स हैं वो भी बदल जाते हैं। पहले ही महिलाएं जो है सेकेंडरी सिटीजन है और ऐसी सिचुएशन में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले पुरुष खाएंगे, फिर लड़का खाएगा, फिर बच्ची खाएगी और लास्ट में। तो ऑलरेडी पहले खाना सफिशिएंट था, तब तो फिर भी मिल जाता था, अब सफिशिएंट नहीं है तो और जो है महिलाएँ वल्नरेबल हो जाती है। लिमिटेड एक्सेस टू कम्युनिटी नेटवर्क। जो कम्युनिटी नेटवर्क था पहले, जहाँ वो रह रही थी, उनके आसपास के लोग थे, पहचान वाले थे, वो सारी चीज़ें अब नहीं रहेगी तो उनकी सेफ्टी को खतरा हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का भी खतरा होगा, हस्बैंड भी उन्हें मार सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप मोहल्ले में रह रहे हो तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि लोग डरते हैं, उनको लगता है उनकी इज्जत चली ना जाए, तो इस तरीके से वायलेंस नहीं होता है। लेकिन आपके अगर जो कम्युनिटी नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आपकी सेफ्टी भी ख़त्म हो सकती है। तो इस तरह के इशूज़ महिलाओं को फेस करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस ज़्यादा हो जाए, मतलब आपके पास पैसों की कमी हो जाती है, तो महिलाओं को सेक्सुअल अब्यूज भी किया जा सकता है, उनके साथ ट्रांजेक्शनल सेक्स भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। कई महिलाओं के पास ये ऑप्शन भी नहीं होता है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए इस तरह की एक्टिविटी में उनको आना पड़ता है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए इस तरह से जो है उनको इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये कम्प्लीटली सेक्सुअल हरासमेंट और जो एब्यूज है वो उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी तो जो फिजिकल और सेक्सुअल वायलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उन्हें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, PTSD हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एनजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स महिलाओं में देखे जाते हैं। एक स्टडी की गई है दारफुर सुदान की, जहाँ पर 72% ऑफ डिस्प्लेस वुमेन जो है PTSD से अफेक्टेड थी, है ना। जो टोटल जितनी भी महिलाएं थी उसमें से 72% डिस्प्लेस वुमेन को कौन सी कंडीशन थी, PTSD मतलब अभी हमने पढ़े थे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो ये महिलाएं जो हैं जो कैंप्स हैं वहाँ पर रह रही थी और इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक, फिजिकल हेल्थ के बारे में तो एक बार फिर भी हम बात कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं करते। इंडिया जैसी कंट्री की बात कर लो तो वहाँ तो ये प्रोविजन ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया जाए। अगर कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है तो उसे पागल बोल दिया जाता है, अरे तो पागल हो गया। सो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ इशू है। तो ये एक नॉर्मली अच्छे परिवारों में ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती, तो क्या जो रिफ्यूजीज महिलाएं हैं
वो लोग ये डिस्कस कर पाएंगी? क्या उनके अंदर इतना करेज आ पाएगा? वो तो खाने के लिए भी जो है उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो अपनी मेंटल हेल्थ की बात करेंगे कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। तो जो फैमिलीज होती हैं वो अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करती है ओवर मेंटल हेल्थ, और ऑब्वियसली हेल्थ ऑफ मैन प्रायोरिटाइज किया जाता है वुमेन के ऊपर। सो आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं उनकी जो साइकोलॉजिकल डिसीज होती है वो अननोटिस हो जाती है और बाद में जाकर पता चलता है, जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है तब उनके जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। नाउ इंडिया में जो रिफ्यूजीज हैं अगर हम उनकी बात करें तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है वो प्रीडोमिनेंटली मेल डोमिनेटेड है, वुमेन आइसोलेटेड रहती हैं फॉरेन लैंड में। इसका मतलब जो मेल होते हैं रिफ्यूजीज में वो ज़्यादातर कम्युनिटी में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन महिलाओं को घर पे ही रहना पड़ता है फॉरेन लैंड में और अकेले ही रहना पड़ता है, उनके वॉइस ऑफ कंसर्न कोई सुनने वाला नहीं है। मेंटल हेल्थ सर्विस then available to them are typically either in government hospital that have extended wait times or through support services by NGO. So महिलाओं के लिए जो refugees हैं जो कि इंडिया में रह रही हैं महिलाएं, उनके लिए या तो सरकारी अस्पताल में हो जा सकती है जहाँ पर बहुत लंबा पीरियड होता है वहाँ पर वेट करना पड़ता है, या फिर NGO जो कि अनरेगुलेटेड है ना। NGO अगर कोई है तो कोई अच्छा सा NGO हुआ वो बोले चलो रिफ्यूजीज के लिए करना चाहिए, वो थोड़ा बहुत अगर कर दे, तो इसके अलावा और कोई चारा महिलाओं की मेंटल हेल्थ के लिए नहीं होता है, उनके उपचार के लिए कोई और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। दिस सर्विसेज आर ऑफन ओनली सॉट आफ्टर द इशू आर सीवियरली एस्केलेटेड। ये सारी सर्विसेज भी तभी ली जाती है जब जो हालात होते हैं मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और जो वुमेन रिफ्यूजी महिलाएं हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, वो उसके बावजूद भी नहीं जा पाती NGO या फिर हॉस्पिटल, क्योंकि तो जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ स्टिग्मा अटैच है, फीलिंग ऑफ शेम अटैच है, कम्युनिकेशन बैरियर रहता है, डरती हैं वो ये सारी चीज़ें, और जो मेंटल हेल्थ की लिमिटेड नॉलेज है अवेयरनेस है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण जो महिलाएँ हैं वो हेल्प सॉर्ट नहीं कर पाती हैं। अब बात करते हैं जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक, सो UNCPRD रिकॉग्नाइजेस लॉन्ग टर्म मेंटल और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट विच इन इंटरेक्शन विथ वेरियस बैरियर मे हिंडर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ सोसाइटी एज अ साइकोसोशल डिसेबिलिटी। ठीक, सो जो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सनैलिटी विथ डिसेबिलिटीज, उसमें जो मेंटल इलनेस है उसे भी एज अ डिसेबिलिटी काउंट और कंसिडर किया गया है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, इंटेलेक्चुअली आप इम्पेयर हैं और आप सोसाइटी में प्रॉपरली इफेक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं तो भी उसे डिसेबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। द UNCRPD ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी आर सब्जेक्टेड टू मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन एंड मैंडेट मेजर टू एंश्योर फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट बाय देम ऑफ ऑल द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। सो UNCRPD में महिलाओं और गर्ल्स के जो कि डिसेबिलिटी फेस कर रही हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स, कंप्लीट फंडामेंटल फ्रीडम दी गई है और ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज की गई है। ठीक, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आर्टिकल 6 में है। इसके अलावा उन्हें गारंटी दी गई है कि जितने भी राइट्स हैं वो उनको एंजॉय कर सकती हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 5 में। इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है UNCRPD और उसी के अंदर सब्सिक्वेंटली राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2006 बनाया गया है। हालांकि इस एक्ट के अंदर ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है, अभी भी पेंडिंग है, मेंस में भी नहीं आया है। इस एक्ट के अंदर जो मेंटल इलनेस है ये टर्म है, साइको सोशल डिसेबिलिटी टर्म अभी भी लेजिस्लेटिव पार्लेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। प्लीज़ इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यहाँ से ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको ये RPWDA एक्ट लिखा रहेगा और लिखा रहेगा कि टर्म साइको सोशल डिसेबिलिटी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट 2016 एक्ट, है ना। मेंटल इलनेस इस एक्ट में नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। मेंटल इलनेस इसमें है और आपका जो साइको सोशल डिसेबिलिटी है ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेंटल इलनेस को डिस्क्राइब किया गया है सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट ग्रॉसली इम्पेयर जजमेंट, बिहेवियर एंड कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी मीट द ऑर्डिनरी डिमांड ऑफ लाइफ। ठीक, सो मेंटल इलनेस क्या,
अगर आपकी सोचने की क्षमता प्रॉपर नहीं है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है, आपका जजमेंट बहुत ख़राब हो गया और आप डेली जो लाइफ की ऑर्डनरी चीज़ है उसे भी नहीं कर पा रहे हैं, उसे मेंटली फिट ना होने के कारण, तो उसे मेंटल इलनेस कहा जाएगा। पर्सन विथ मेंटल इलनेस एज अ कैटेगरी ऑफ मंथ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आर गारंटीड अ होस्ट ऑफ राइट अंडर द RPDWDA इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्थ केयर एनकंपासिंग फ्री एंड बैरियर फ्री एक्सेस बिसाइड्स प्रायोरिटी इन अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 25। जो लोग मेंटल इलनेस का शिकार हैं उनको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर, इंक्लूडिंग राइट टू फ्री हेल्थ केयर, और इन्हें प्रायोरिटाइज भी किया जाएगा। द RPWDA ऑल्सो मैंडेट द स्टेट टू एंश्योर दैट द वुमेन विद डिसेबिलिटी एंजॉय देयर राइट इक्वली विद अदर। तो इसमें महिलाओं का अलग से मेंशन किया गया है क्योंकि महिलाएं ज़्यादा वनरेबल है, तो उनका अलग से मेंशन किया कि महिलाओं को भी सारे राइट्स इक्वली जो है दिए जाएंगे। However, simply by virtue of their not being Indian national, refugee women with psychosocial disability are filtered out from the implementation of this guarantee. लेकिन चूंकि जो refugee महिलाएं हैं ना, जो refugee women हैं वो Indian nationals में नहीं आती हैं, इसलिए इस act के वो बाहर चली जाती हैं और उन्हें ये rights भी provide नहीं हो पा रहे हैं हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कई बार कहा है कि जो भी refugees हैं उन्हें आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ प्रोवाइड किया जाएगा, उनको हेल्थ केयर सर्विस भी दी जाएगी। हालांकि जो उन्हें हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड है और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में दी जाती है। इसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो सरकार लोगों को अनाज देती है, उस तरह के प्रोग्राम में इन महिलाओं को और रिफ्यूजीज को शामिल नहीं किया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस गारंटी एक्सटेंडिंग द परव्यू ऑफ RPWDA टू रिफ्यूजीज विद डिसेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट एज पर द UNCRPD, द रिफ्यूजी वुमेन विद साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस डिस्पाइट बीइंग गारंटीड द राइट टू हेल्थ रिमेन अनएबल टू रियलाइज इट। सो जो आपका RPWDA है और UNCRPWD है ना, UNCRPWD में तो वुमेन विथ डिसेबिलिटी जो कि रिफ्यूजी वुमेन्स हैं उनके राइट रिकॉग्नाइज किए हैं, लेकिन RPWDA एक्ट में अलग से वुमेन रिफ्यूजीज जो कि डिसेबल हैं उनके लिए कोई भी अधिकार नहीं है और इसलिए जो लिमिटेड राइट्स हैं उनसे वो वंचित हो जाती हैं। अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया ने ना ही 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया है और ना ही 1967 का प्रोटोकॉल, और ना ही इंडिया में कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है रिलेटेड टू रिफ्यूजीज। सो इंडिया को सबसे पहले तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, एक वाइट पेपर तैयार करना चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि रिफ्यूजीज से रिलेटेड इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया क्या रिफ्यूजीज को रखेगा या असाइलम नहीं देगा, या इंडिया की रहेगी पॉलिसी कि इंडिया किसी को भी माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज किसी को एंट्री नहीं देगा। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजीम अभी जो है आपकी सर्टेन आइडियोलॉजी की है तो सर्टेन रिफ्यूजीज को ही लेंगे या सर्टेन कंट्री के रिफ्यूजीज को लेंगे बाकियों को नहीं लेंगे। इस तरीके की जो इनकंसिस्टेंसी है वो नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये होना चाहिए कि बढ़िया लॉ बनाइए, रिफ्यूजीज की जो राइट है उसको डिफाइन करिए, जो नहीं देना है वो डिफाइन करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भरोसे पे हो, ऐसे में हरासमेंट बहुत होता है, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हरास करते हैं जो रिफ्यूजीज लोग होते हैं उनको। तो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका वायलेशन ना हो, इतना इंडिया को ध्यान रखना चाहिए। और इंडिया ने ये सब इंटरनेशनल कमिटमेंट भी किया है, 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसमें बोला है कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है उसे एम्पावर करेंगे इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड रिफ्यूजीज। कब होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन जब तक के इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं बनते तब तक के इंडिया को एटलीस्ट जो इंडिया की हिस्ट्री रही है, जो रिच हिस्ट्री रही है जिसमें रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर को इंडिया ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ अपने घर में बना दी है, उसी डिग्निटी के साथ उन्हें जो बेसिक राइट्स हैं महिलाओं को, स्पेशली जो वनरेबल महिलाएं हैं, जो महिलाएं डिसेबल हैं, मेंटल इलनेस फेस कर रही है, उन्हें प्रॉपर राइट और एक्सेस टू हेल्थ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ये पूरा आर्टिकल था, होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नो पॉपुलेशन सेंसस इन द डार्क विदाउट वाइटल डेटा। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में जनगणना की शुरुआत, सेंसस की शुरुआत 1871 में हुई थी और रेगुलरली बेसिस पे 1872 में हुई थी और रेगुलर बेसिस पे 1881 से हो रहे हैं। उसके बाद हर 10 साल के अंतराल में ये सेंसस हुआ करते थे, ब्रिटिश पीरियड में भी होते थे और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से भी हर 10 साल में जो जनगणना है, जो सेंसस है वो हो रहा है।
लास्ट सेंसिस आपका 2011 में हुआ था, ऑलमोस्ट 14 साल 13 साल होने वाले हैं, 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2024 आ चुका है, लेकिन सेंसिस नहीं हुआ है और ना ही इसका कुछ अता पता है। सेंसिस में बहुत सारा डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक इस तरह का डेटा रहता है, लोकेशनल डेटा रहता है, फैमिलियल डेटा होता है, ऑक्यूपेशनल डेटा होता है और हर एक पर्सन के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में डिटेल्स होती है। बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा एससी एसटी कम्युनिटी का भी अलग से डेटा होता है, ओबीसी का डेटा नहीं होता है और ओबीसी के कास्ट सेंसिस की बात की जा रही है, बार बार डिमांड की जा रही है, ये डेटा बस नहीं होता है, पहले हुआ करता था लेकिन इसको जो है कास्ट सेंसिस करना जो सरकार है केंद्र सरकार, उन्होंने कैंसिल कर दिया। सेंसिस की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 1948 सेंसिस एक्ट बनाया गया है, उसके अंदर जो है जो होम मिनिस्ट्री है वो आपके जो रजिस्ट्रार होता है वो सेंसिस कंडक्ट कराते हैं। चीज़ें क्लियर है, ये आपका बेसिक चीज़ हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हमें सेंसिस कराने की ज़रूरत है, वाई सेंसिस इज नीडेड, वाई रीज़न क्या है। सो द सेंसिस इज नॉट लिमिटेड टू ऑफर पॉपुलेशन काउंट, सेंसिस से सिर्फ हमें पॉपुलेशन काउंट पता नहीं चल रहा है, इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ लोकेशनल, फैमिलियल एंड इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी हमें पता चलती है और जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं आपकी पॉपुलेशन में वो भी पता चलती है। इंडिया एक यंग नेशन है, डेमोग्राफी डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कितने लोग एग्रीकल्चर में हैं, कितने लोग बाहर आ गए, समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी स्कीम चलाते हैं तो आपको ये डेटा लगेगा। सो डेटा बेस्ड जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाने के लिए आपका सेंसिस का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे जो आपके डेटाज हैं जो वो किस पर रिलाई करते हैं, सेंसिस के नंबर पर रिलाई करते हैं, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसमें जो बेसिक आपका जो डेटा लिया जाता है वो सेंसिस का डेटा लिया जाता है। अब सेंसिस जो है आपका जो लिया जा रहा है वो एक से डेढ़ दशक पुराना है, 10 से 15 साल पुराना नंबर है, तो ऑब्वियसली जो बेस अगर आपका गलत होगा तो ऑब्वियसली जो आपका रिजल्ट आएगा सर्वे का वो भी गलत होगा, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी डेटा गलत हो सकता है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी डेटा गलत हो सकता है, क्योंकि जो सेंसिस का डेटा लिया जा रहा है वो बहुत पुराना है। ठीक है, सो दूसरा रीज़न है सेंसिस कराने का कि जो डेटा सेंसिस पे बेस्ड है वो सारे डेटा गलत आएंगे, उससे इंडिया को नुकसान होगा। नेक्स्ट क्या है, इंडिया में पिछले 10 से 15 सालों में जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पॉपुलेशन काउंट में तो ज़रूरी, उसके अलावा भी अदर फीचर्स में जैसे कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, कोविड 19 के बाद से जो है हेल्थ के क्या स्तर हैं या फिर कोविड 19 का किस तरीके से असर पड़ा है और लाइवलीहुड, इन सारी चीज़ों पे जो ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज आया है वो भी हमें पता चलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो छोटे मोटे सर्वे कर रहे हैं वो सेंसिस को रिप्लेस नहीं कर सकते, सेंसिस बहुत ब्रॉडर सर्वे होता है और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, सो सेंसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, मिसिंग द 2020 सेंसिस कैन नेवर बी एन एक्सक्यूज गिवन दैट जनरल इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन द मिस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, चूँकि जनरल इलेक्शन अगर कंडक्ट हो सकते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 में कंडक्ट होते हैं हो सकते हैं, तो जितना इलेक्शन कराने में आपको मशीनरी लगती है उतना ही मशीनरी सेंसिस कराने में भी लगती है। सो आप ये रीज़न भी नहीं दे सकते कि भाई हम जो है अनसर्टेनिटी के कारण या प्रॉब्लम थी कोविड 19 था या फिर एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाला इशू था, इसके कारण हम लोग क्या नहीं कर पाए, सेंसिस नहीं कर पाए। तो सेंसिस करने के जो रीज़न भी दिए जा रहे हैं वो भी वैलिड रीजन्स नहीं हैं। नेक्स्ट क्या है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसके आपके इंडिकेटर आपको अचीव करना है, उसके लिए भी तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए ना कि आपकी पॉपुलेशन में चल क्या रहा है, कितना चेंज हुआ है, सेंसिस वाला डेटा आएगा तो आपको और क्लैरिटी होगी और आप SDG गोल को अचीव कर पाएंगे। सो आपको एविडेंस पॉलिसी के लिए, SDG गोल अचीव करने के लिए भी सेंसिस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो सरकार है उन लोगों को क्या लगता है कि सेंसिस करना बढ़िया चीज़, डिले करना बढ़िया चीज़ है। क्यों सेंसिस डिले करना बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो नोटिस नहीं होंगे, डिनोमिनेटर आपका नहीं बदलेगा, जो न्यूमरेटर है उसमें इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, तो ओवरऑल डेटा में इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, ओवरऑल आपका जो डेटा आएगा जो सरकारी डेटा होगा उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इसलिए सरकार इस तरह के सर्वे को जितना डिले हो सकती है उतना डिले करती है। इसके अलावा जो प्रिवेलिंग SDG एनवायरमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें सब नेशनल लेवल पर डेटा को डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है, मतलब सब नेशनल लेवल पर डेटा क्या किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। सब नेशनल लेवल पर डेटा करने से आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वीक हो या फिर जो एरिया बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो, चीज़ें क्लियर। लेकिन आप जो सब नेशनल लेवल का डेटा होगा उसको आप कंप्लीटली
आप उसको यूज नहीं कर सकते, है ना। आपको एक ब्रॉडर जो डेटा है जो नेशनल लेवल का होता है उसकी ज़रूरत हमेशा होती है ना। कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखने के लिए आपको सेंसेस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सो जो सेगमेंटेड डेटा है वो कुछ स्तर पर ज़रूर फायदेमंद होता है, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर डेटा आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और आप जो सब नेशनल डेटा है उसको एज अ अल्टरनेटिव नहीं देख सकते सेंसेस के, इसलिए आपको सेंसेस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रीजंस हो जाएंगे जिसके लिए कारण हमें सेंसेस को कराना ज़रूरी है। यही बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।